Sorry. Cago vida. क्या किया देखो, ये रस्सी का साथ सांप को बांध दिया, बता। अरे देख रहा है, ओफ। नमस्कार दोस्तों, कल हम लोग जो रेस्क्यू किए थे, कल लगभग 2 रसल पर रेस्क्यू हुआ था और हम लोग रिलीज नहीं कर चुके, रात हो चुका था दोस्तों। अटवा तुम लोग, नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्वागत है दोस्तों, हम देख रहे हैं। तो आज अभी हम लोग रिलीज करेंगे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। ये इंडिया का मोस्ट वेनमस स्नेक, देख रहा है किस तरह ये सिटी मार रहा है। और ऑलरेडी हम लोग बहुत थक चुके हैं क्योंकि पूरे जंगल के अंदर में हम लोग आए हैं। ये देखिए पहला रसल वाइपर, दोस्तों देख रहे हैं ये सांप जा नहीं रहा, भूगला भूगला, देखिए दोस्तों जा रहा। दोस्तों हम लोग छोड़ चुके हैं, अब दूसरा रसल वाइपर इसको हम लोग छोड़ने जा रहे हैं। ये रस्सी से गजब पिट्ठा बांधता है। कहा विदा, ओह माय गॉड, अरे यार इतना बड़ा बकवास का किया देखो। हाँ, सांप को बांधा है और इसको ये अंकित जो ना आदमी एक दिन ये सांप को बांधा है, देखे कैसे बांधा, का किया देखो, ये रस्सी का साथ सांप को बांध दिया, बता। अरे देख रहा है, ओफ। चले चले चले, चलिए जल्दी चलिए चलिए। ठीक है ना अभी तक? हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो, स्पीड ज़्यादा मत चलाइए, आराम से चलिए, ठीक पहुँच तक ही। दोस्तों अभी जैसे कि देख रहे थे, एक्चुअली रसल वाइपर जो है वो हमारा जो टीम रेस्क्यू किया था, मैं तो एक रेस्क्यू किया था, एक हमारा टीम का कोई स्टूडेंट जाके रेस्क्यू किया था, और वो रेस्क्यू करने के बाद जो रस्सी बांधा वो रस्सी ढीला बांधा होगा, सांप उससे निकल गया होगा या सांप का ऊपर में बांध दिया,
हमको लगता सांप का ऊपर नहीं बना होगा, वो सांप किसी तरह ढीले करते करते निकालते निकालते वो निकल के बाहर हो गया, मुंह उसका इतना निकल चुका था। तो जैसे कि देख रहे हैं मेरा अभी एसी चल रहा दोस्तों, फिर भी मैं पसीना से लथपथ हूँ। तो ये दो कारण होता है, एक आप डर जाते हैं, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, और इस समय में आपको पूरी तरह साधारण रहना है, डरना नहीं है, ना कोई ज़्यादा बात करना है, और आपको सोचना नहीं है जो मेरे साथ क्या होगा, हम आगे क्या करें, बचेंगे नहीं मरेंगे मरेंगे, इसको कुछ नहीं सोचना है आपको। मुझे ये लेके बहुत बार बाइट किया है, और मैं सबसे बड़ा बात हूँ, बहुत सारे आदमी दोस्त कह सकते हैं बापी दा बार बार आपको कैसे बाइट करता है। एक्चुअली देखिए, मैं हमेशा अक्सर रेस्क्यू नहीं करता हूँ, मेरा टीम भी रेस्क्यू करने जाता है, कभी कोई नया नया लड़का ट्रेनिंग लेने आता है वो लोग करता है, वो लोग से फॉल्ट हो जाता है। इससे पहले भी एक बार कोबरा रेस्क्यू किए थे, लेकिन आज हुआ क्या कि ये लोग गलती हुआ था कि मुझे सांप को देखना चाहिए था, मैं जैसे खोलने के लिए गया सांप वहाँ था। और दूसरी बात है दोस्तों, देखिए हाइपरटेंशन से भी कभी कभी आपको अगर ये होता है कि बॉडी हीट हो जाता है, पसीना होता है, चक्कर देता है ऐसा, तो आपको डरना नहीं है। मैं अपना घर पहुंच चुका हूं दोस्तों, जल्द से जल्द कोशिश करूंगा एंटीवेनम लेने के। और नहीं, और एक चीज़ बता रहा हूं आपको प्लीज़ दोस्तों, कि कभी ऐसा आप कभी भी खुद रेस्क्यू करें तो खुद उस चीज़ को बार बार जाँच करें कि सांप का झोला ठीक से बांधा है कि नहीं, ठीक है, वो ये चीज़ देख लें। और दूसरी बात कि होपलेस ना हो, एकदम होपलेस ना हो, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा। चलिए हिम्मत रखिए, हम है, चलिए ठीक है, चलिए जल्दी। तो दोस्तों देखिए, हमको स्नैक बाइट हुआ लगभग, हमको लगता है आधा घंटा 40 मिनट हो गया, हम लोग जहाँ जंगल में छोड़ने गए थे और वहाँ से यहाँ लगभग 40 मिनट हुआ, लेकिन अभी तो हाथ में सूजन तो नहीं है लेकिन पेन हो रहा, हो सकता है पल्स बाइट भी हुआ होगा, लेकिन हम इंतजार करेंगे, देखेंगे कि अगर ऐसा होगा तो फिर एंटी वेनम लेंगे। और एंटी वेनम आप कोशिश कीजिए, ये देखिए भारत सीरम का, ये एंटी वेनम भारत सीरम का कोशिश कीजिए आप लेने के लिए, गारस्रम आता है, वेन्स आता है, बहुत सारा एंटी वेनम आता है, लेकिन कोशिश कीजिए बेटा एफडी का आता है भारत सीरम, बहुत पुराना कंपनी है भारत सीरम, और ये आप लीजिए। और दूसरी बात ये है कि आप दोस्तों, हम लोग कभी भी जो भी स्नेक रेस्क्यूअर्स है तो इसको जब बाइट करता है इसको चूसने का प्रयास, बहुत सारा हम देखे बड़े बड़े एक्सपर्ट भी सांप काट लिया तो तुरंत मुँह में घुसा के उसको चूसने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि जहर निकाल जाएगा, लेकिन ये नहीं, जहर निकलेगा, जहर आप जितना देर बाइट किया उतना देर में बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, आपको चूसने का भी मौका नहीं देगा, इसलिए जो है ऐसा नहीं करें। और ये अगर आपका दांत में या मुंह में कहीं पायरिया होगा तो उससे आपको ये हो सकता है, आपको उससे अगर दांत में पायरिया होगा या मुंह में जख्म होगा उससे, जैसे ही ये हमारा जहर जो है डायलट होगा संस्पर्श में आएगा तो फिर आपको, मेरा थोड़ा हो सकता है डर के चक्कर दे रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को अनुरोध करता हूँ प्लीज़, कोई भी रेस्क्यू करता है तो उसको पहले देख लीजिए, झोला को बार बार जांच कर लीजिए, रखो।